हुई, इसमें किस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, क्या है पूरा मामला? आज सुबह 12:10 पे एक PCR कॉल मिली पुलिस स्टेशन मालवीय नगर के अंतर्गत विजय मंडल पार्क में। एक लड़के ने एक लड़की पे वार किया एक रॉड से और लड़की सकम टू द डेथ बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। इसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि लड़की और लड़का आपस में रिश्तेदार हैं, मौसेरे भाई बहन हैं। इनकी कुछ बीच में शादी की बातचीत चल रही थी, फिर बाद में चूंकि लड़का कुछ नहीं करता तो शादी की बात कैंसिल हो गई थी। इस वजह से लड़का आहत था, लड़की ने भी बातचीत करना बंद कर दिया था कम्प्लीटली। इस वजह से लड़का मेंटली भी डिस्टर्ब था कि अब इसकी शादी कहीं और नहीं हो रही है, इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं आ रहा है। इस वजह से परेशान हो करके इसने इस घटना को अंजाम दिया आज। मैम आज ये लोग पार्क में क्या, यहाँ पर क्या किसी प्लानिंग के तहत आए थे कि मिलने आए थे, रूटीन क्या था, किस वजह से आए थे? लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कमला नेहरू कॉलेज से की है, उसने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और स्टेनो की कोचिंग कर रही थी मालवीय नगर में। तो लड़के को ये पता था कि स्टेनो की कोचिंग के लिए लड़की आती है। लड़की चूँकि इससे बातचीत नहीं कर रही थी, इसका फ़ोन आंसर नहीं कर रही थी, इससे फ़ोन पे कोई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से इसने लड़की को स्पॉट किया था और उसके दिमाग में पिछले 2-3 दिन से चल रहा था कि लड़की से किसी तरीके से वो बात करे। और वो तैयारी के साथ आया था कि लड़की को लेकर के इस पार्क में जाएगा, और चूँकि लड़की मना कर रही थी तो उसके लिए लड़के के लिए एक डू और डाई सिचुएशन था, उसने ये इंसिडेंट किया। सुमेश क्या रॉड लेके आया था और कितनी बार सर पे वार किया था, क्या था? अब ये तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि वार कितनी बार है, पर रॉड ये लेकर के आया था विद प्रिपरेशन। अभी आरोपी गिरफ्तार हो गए जी। ठीक है भाई।